नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। स्पीच देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और सोरेन से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। एक तरह से बड़ा झटका ये हेमंत सोरेन के लिए कहा जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की थी गिरफ्तारी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है और पहले हाईकोर्ट जाएं ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। और चलिए, इस बीच झारखंड में एक और बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। हैदराबाद शिफ्ट किए जा रहे हैं जेएमएम कांग्रेस के विधायक। 5 फरवरी को रांची लौटेंगे तमाम विधायक, जिन्हें इस वक्त हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। बसेस तैयार हैं और आपको यह भी बता दें कि 5 फरवरी को बहुमत पेश करेंगे चंपई सोरेन और हैदराबाद से सीधे विधानसभा ही पहुंचेंगे तमाम वो विधायक जिन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है झारखंड से आ रही है, जहां बसों को तैयार कर लिया गया है और अब हैदराबाद शिफ्ट किए जाएंगे। जहां अगर हैदराबाद की बात है, तेलंगाना शिफ्ट किए जा रहे हैं, जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में खतरा अभी भी लग रहा है महागठबंधन सरकार को, जिसके चलते जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं वो हैदराबाद शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो बड़ी हलचल झारखंड से इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 12 से 1 के बजे का जो टाइम है वो सामने आया है और उनके साथ 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी हलचल ये कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं, किसी तरह की टूट उनमें ना हो, इसी खतरे से बचने के लिए जेएमएम और कांग्रेस के ये जो विधायक हैं इन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है और सीधा जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा हैदराबाद से सीधा विधानसभा पहुंचेंगे तमाम विधायक। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत पेश करना है चंपई सोरेन को। इससे पहले आज चंपई सोरेन शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से इस वक्त, ये बड़ी हलचल।